रखा हुआ है। अच्छा जी, हाँ भी अपना रखा हुआ है, ये बच्चे भी अपने गांव के लड़की बच्चे हैं, कोई कुर्बानी के लिए, कोई शौक के लिए, दूध के लिए रखा है। तो ये फिर कुर्बानी पे भी भेजते हैं आप? कुर्बानी में दाने भेजते हैं। अच्छा अच्छा, चांदी यानी के ज्यादा नहीं? ज्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका कैप्टन सुहेल। तो अभी हमारा बॉस है, बॉस के हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह, हाजी साहब इनका नाम है, इनका फॉर्म है झिरक हैदराबाद के साथ है बिल्कुल। तो यहां पे भैंस हैं, गाय हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे प्यारे देख के मेरे जैसे गिरदान हो गया माशाल्लाह। बहुत अच्छी लोकेशन है ये सब, इनकी मुलाजिम है, हमारा कैमरा मैन दिखाया गया लोकेशन। ये भैंसे हैं जी, ये भैंसे वगैरह हैं, गाय वगैरह भी हैं। और भाई क्या आप ठीक हैं? ये सब हाजी साहब के मुलाजिम हैं, खिदमत गुजार माशाल्लाह, और सवाब का सवाब भी है, खूब मेहनत करते हैं, खूब इनसे तवज्जो करते हैं जनाब, ऐसा ना भाई। तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं और भी। गाइस भैंसें थी, भैंसें और चंद गायें भी हैं, मगर यहाँ पे सारी गायें हैं, गाय भी हैं और यहाँ पे गाय के बछड़े वगैरह भी हैं यहाँ पे छोटे। ये देखें गाइस, जी भजन अच्छा जी, भी अपना रखा हुआ है, अपने गांव के नस्ली बच्चे हैं, कोई कुर्बानी के लिए, कोई शौक के लिए, दूध के लिए रखा है। तो ये फिर कुर्बानी पे भी भेजते हैं आप? कुर्बानी में दाने भेजते हैं। चांदी यानी के ज्यादा नहीं? ज्यादा नहीं। हां दाने भेजते हैं। अच्छा अच्छा, लाल अबलग है, लाल अबलग काला है, लाल नुकरा है और ग्रास है, ऊपरी दरवाजा है। गाइस अभी भाई को इन्होंने अभी जो हमें इनकी नस्लें बताई हैं ना, भी नाम अभी तक इन्होंने बोला है हमें याद भी नहीं रहा। तो इतनी नस्लें तो हैं इनकी गाय है ना, और उसकी भैंस वगैरह, उनकी भी नस्लें होती है, भैंसों की भी, भैंसों की भी नस्ल होती है, पंजाबी भैंसें होती है, सिंधी भैंसें होती है। ओह नो, सही सही, हाँ यानी कि नस्ल होती है हर। अब वो क्रास है, क्रास में
18 लीटर दूध है ये वाला सामने ये सामने वाला क्रास है। अच्छा ये सामने क्रास है, क्रास इसकी नस्ल है। इसका दूध कितना? 18 किलो। माशाल्लाह गाय जी 18 किलो दूध देती है ये गाय। ये सामने ये सब नस्लदार खड़े हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे से जानवर हैं। ये बच्चे खीरे हैं। कौन से के बच्चे हैं ये? कौन से? ये जो बच्चे सामने आ रहे हैं। ओह नो, वो सामने वाले, वो सामने वाले डेढ़ साल के बच्चे हैं। अच्छा ये सामने वाले डेढ़ साल के बच्चे। कुर्बानी में नहीं आएगा? अच्छा यानी कि अगली कुर्बानी में फिर। अच्छा अगली कुर्बानी में तो आप देखोगे। ठीक है ये जिस इलाके पे खड़े हुए हैं ये इलाका है हैदराबाद के नज़दीक, हैदराबाद में और ठट्ठा और हैदराबाद के बीच में है, बिल्कुल सेंटर है ये। झरक जो है ना सेंटर है बिल्कुल ठट्ठा और हैदराबाद का। झरक, झरक का इलाका कहलाते हैं, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ वगैरह भी छोटे छोटे हैं। पहाड़ी है बिल्कुल, ऐसे पहाड़ भी हैं छोटे छोटे यहाँ पे झरक के इलाके में खड़े हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेशन है, खूबसूरती भी है यहाँ पे माशाल्लाह। जो हमारे बॉस के दोस्त हैं हाजी साहब, हाजी अब्दुल अजीज साहब, बहुत मुखलिस और बहुत दिल अजीज और मोहब्बत प्यार करने वाले शख्स हैं। हम जब भी यहाँ पे आए हैं बगैर मोहब्बत किए इन्होंने कभी किसी को नहीं भेजा, ऐसे बहुत अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह। हमेशा गाइस व्यूअर्स अच्छे लोगों की तारीफ की जाती है, तो माशाल्लाह अच्छे हैं तो हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको बहुत दी, अल्लाह पाक ने, और हमारी दुआएं अल्लाह पाक इनको और भी दे इंशाल्लाह। इजाज़त दें तो हमारे नए अहबाब दोस्त अहबाब जितने हमारे व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल वाले फिर बात नहीं करी जाती है जी, बेल वाले बटन को आपने दबाना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, उसके साथ जो करना है वो तो सही है। तो इजाज़त दें अपने कैप्टन फिर, इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम। अगली वीडियो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। सिर्फ आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है, अगर आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है तो इंशाल्लाह हम मोहब्बतें करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे आपको। तो इजाज़त दें अपने कैप्टन फिर को, ओके अल्लाह हाफिज़।